हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू माय चैनल यश नोमैड एक्सप्लोरर। हाँ हाँ, मानता हूँ आप सही कह रहे हो, बहुत टाइम बाद आया हूँ। कहाँ गए आप लोग, सोच रहे हो कहाँ गायब हो गया है? गायब नहीं हो दोस्तों, एक्चुअली कंटेंट्स नहीं यार, मेरा चैनल है ट्रैवलिंग एक्सप्लोरर का, नेचर से रिलेटेड। तो मैं और कोई कॉन्टेंट्स उतने अच्छे तरीके से आपके पास नहीं आ पाएगा। कोशिश मेरी पूरी रहती है कि जो भी कुछ एक्साइटिंग हो रहा है तो मैं डालूँ, बट जो मेन मोटिव होता है वो है ट्रेवल और एक्सप्लोर से रिलेटेड। ऐसी जगह जाना जो जो अपना सोल होता है ना वो खुश उठे। तो दोस्तों कहते हैं कि तूफान आने से पहले जो शांति होती है ना, ये वही शांति है क्योंकि अगला जो एडवेंचर आने वाला है वो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है दोस्तों। उसी की शांति है, थोड़ा सब्र रखो, बहुत ज़बरदस्त ट्रेवलिंग होगा, बट वो तो जब होगा होगा। फिलहाल के लिए आज मैं जो एक वीडियो लाया हूँ, आज के इस वीडियो में, आज के इस ब्लॉग में, मैं आपको जनरली, आप जिस जगह रहते हो ना, आपे पता नहीं होता कि आपके पास आसपास, घर के आसपास भी ऐसी हिडन चीज़ें छिपी हुई है जो असल में बहुत सुंदर है। तो आज एक्चुअली सीन हुआ, ऐसा हुआ कि मेरे जो पड़ोसी हैं अंकल, वो रिटायर्ड IFS ऑफिसर है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से उनका लगा रहता है। तो मैं और मेरे भाई हमेशा साइकिलिंग या ट्रैवलिंग आसपास करते रहते थे। तो वैसे ही सूरजपुर एक एरिया है नोएडा में, तो अब सूरजपुर की तरफ बढ़ोगे तो वहाँ पर है वेटलैंड्स, वाइल्ड लाइफ नहीं, मतलब एक तरह से वो बर्ड सेंचुरी है। एक तो अपना ओखला बर्ड सेंचुरी हो गया, बट दिस वन इज़ रेयरेस्ट बिकॉज वहाँ पे भी मतलब बर्ड्स आती हैं, माइग्रेटेड बर्ड्स जो आती है माइग्रेंट करके, वो इधर सबसे ज़्यादा आती है, बट ये लोगों को पता नहीं है और ये मतलब ध्यान नहीं गया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों का भी। तो हम जाते तो हमने अंकल को ये डिस्कस किया कि यहाँ पर भी ऐसा है, तो वो हमारे साथ गए देखे। अब 6 तारीख को एक फंक्शन होने वाला है, जिस फंक्शन में मतलब वन महोत्सव एक तरह से कह लो, और उसमें मतलब एंटेक करके एक मतलब NGO कह लो, जो भी इंडियन हेरिटेज है एंड जो भी आपका फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, उसको प्रिजर्व करने के लिए एक NGO टाइप का है। इसमें मेरा भाई भी अभी मेंबर बन चुका है और अंकल ने मतलब डिस्कस किया कि हाँ यहाँ पर भी कुछ किया जा सकता है। तो एक फंक्शन वन महोत्सव जिसमें उसके एंटेक के चेयरपर्सन जो हैं, चेयरमैन रिटायर्ड मेजर जनरल हैं, वो भी आएंगे 6 तारीख को जो फंक्शन है। तो उसमें प्लांटेशन एंड नया क्या इसमें इस फॉरेस्ट के एरिया में, इस रिजर्व फॉरेस्ट में क्या कर सकते हैं आगे, उसमें प्लानिंग होगी। तो 6 तारीख को तो मेरा वहाँ निकलने का है मनाली, क्योंकि हमटा पास जा रहा हूँ मैं, याद है आपको। शाम को बस रहेगी, अगर दिन में मौका रहा तो मैं भी चलूँगा, तो आपको एक ब्लॉग आ जाएगा उस वाला भी। तो फिलहाल अभी लेके चल रहे हैं, आप सबको दिखाऊँगा, बहुत एक्साइटिंग है दोस्तों, बहुत मज़ेदार है ये। तो चलते हैं फिर, बाकी बातें रास्ते में करते हैं फिर। चलो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6:30 7:30 तक हम निकल चलेंगे। चलो फिर रास्ते में मिलते हैं। फाइनली दोस्तों वो निकल चुके हैं अब, और चीकू गाड़ी चला रहा है। इतनी बारिश बहुत हो रही है, जमकर बारिश हुई है। कुछ टाइम तो बारिश ही नहीं हो रही थी, बट मैं प्रे कर रहा था यार अच्छी बारिश हो, बट अब जाके दिल खुश हुआ है कि ऐसी बारिश देखने को मिली है।
बारिश में ट्रैवल करने का मज़ा ही अलग है। इधर देखो कितना ज़्यादा पानी भर चुका है। ऐसे मौसम में यही डर मेन रहता है कि भाई गाड़ी का टायर गड्ढों में आ गया। ये ऑलमोस्ट हम लोग पहुंचने वाले हैं, बस दिमाग ख़राब कर रहा है कि जो गेट मेन गेट जो था जो इजीली हम पहुंच सकते वो गेट बंद है और हमें गूगल घुमा के ले जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा मशक्क़तों के बाद गेट से वो रास्ता बंद हो रखा था, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो इधर से घूम के लाए हम गाड़ी को अंदर गलियों से कीचड़ों से घुसा कर फाइनली गेट खोल दिया इन लोगों ने। यहाँ गार्ड बैठता है, कुछ ऐसा सा है यहाँ। यहाँ देखो वन विभाग का बोर्ड लगा रखा है इन लोगों ने। आओ चल के देखते हैं क्या लिखा है यहाँ। कटते आवश्यक सूचना, कटते वृक्ष को पुकार, फाइनली दोस्तों इतने मशक्कत के बाद इतने मेहनत के बाद कि आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, फाइनली हम सूरजपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी बर्ड सेंचुरी में आ चुके हैं। और मानसून में ये जगह इतनी प्यारी लग रही है दोस्तों, क्या बताऊँ। चलिए, प्लेस मेरे भाई चीकू ने खोजा था और हमारे पड़ोसी हैं अंकल, जैसा कि अपने आपको मैंने बताया था, जो कि IFS ऑफिसर हैं रिटायर्ड, और 6 तारीख को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले भी आएंगे आज। तो यहाँ पे वन महोत्सव टाइप का इन्होंने बनाया है, उन्हें हम दिखाने के लिए जगह लाए हैं। फाइनली अंदर आ चुके हैं और इतना सुंदर जगह है कि आसपास में प्यारी प्यारी जगह हो सकती है, हम सोचे भी नहीं थे। आओ चलो आपको नज़ारा। भाई साहब क्या मस्त सा फॉरन वाला लुक आ रहा है यार, जैसे केरल में बैक वाटर होता है ना, बिल्कुल वैसा सा लग रहा है। बिल्कुल मज़ा आ गया यार है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कभी कि मेरे घर के पास या फिर दिल्ली NCR में ऐसे भी जगह हो सकती है। बिल्कुल बैक वाटर लग रहा है केरल का। एक बर्ड देखो यहाँ पे दोस्तों, बर्ड्स बाहर बाहर के माइग्रेट होके आती है काफ़ी सारी। फिर ये जगह भाई मेरा साइकिल चला के आता था, उसने ये जगह खोजी थी। ये आपको गूगल पे मिल जाएगा, अगर आप आना चाहते हो यहाँ पे तो आप गूगल पे सूरजपुर बर्ड सेंचुरी आप सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएगा गूगल पे। और गूगल वेट लैंड भी आप सर्च कर सकते हो, वेट लैंड ही सर्च करना, सूरजपुर वेट लैंड आपको दिखा देगा वो शो। वो मतलब वो मेन गेट है, वहाँ पे आप पार्किंग हो जाती है गाड़ी की, गार्ड्स होते हैं गेट पे, तो आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हो ऐसी जगह को। बहुत ही सुकून भरा होता है, शांति भरा, अच्छा लगेगा आप सभी को। पैरों को बांधे बेड़िया, बताए सा कहानियां, तू रोशनी तू रंग है, है बना है तू ढाने का ना तू आसमान है ना तू इस ज़माने का बेतरा गुजर ऐसी राह से गुजर जी उठे। दोस्तों बस ध्यान से आवाज सुनना यहाँ के वाइब्स का, इतना सुकून भरा साउंड है यार ये।
बस ध्यान से सुनना इसको। ये एक ट्री हाउस है। पीकू मम्मी ये लोग पहले ही ऊपर जा चुके हैं। चलो हम भी चलते हैं, लेकर चलता हूँ ट्री हाउस में। तो मानसून में तो ये जगह और भी अच्छी लग रही है। मैं ढूंढ रहा था ऐसी जगह आसपास पास क्योंकि मानसून में कुछ चार चांद लगा दे। ये तो चार गया, चार सोना भी लगा दे रहा है साथ में। और दोस्तों एक और बात आपको बतानी है। सोच तो रहा था कि मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊं, बट साथ साथ बताता ही चलता हूं आपको भी कि नेक्स्ट जो अभी बहुत जल्दी तगड़ा एडवेंचर आने वाला है हमारा, जिसमें मैं हमटा पास हाइकिंग पे जा रहा हूं 5 डे इन अ वाइल्ड, बिल्कुल कनेक्शन कट बाकी दुनिया से। सिर्फ उनके पास सैटेलाइट फ़ोन होगा, वायरलेस वाला जो होता है, बाकी अपना फ़ोन कोई मतलब नेटवर्क में नहीं आने वाला है। और 5th डे समिट होगा हमटा पास पे। तो अभी जो नेक्स्ट ब्लॉग आएगा तो उसमें आपको बताऊंगा मैं कि मैं पैकिंग किस टाइप से कर रहा हूँ फॉर हमटा पास, क्या क्या ज़रूरत के सामान है जो आप रख सकते हो अपने साथ, बाकी सब चीज़ें। आगे चलते हैं ट्रैकिंग करते हुए। दोस्तों आप सोच रहे होंगे मैं बारिश में कैसे रिकॉर्ड करता हूँ, क्योंकि अभी भी बारिश हो रही है, मैं फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ तो थोड़ी सी बारिश फ़ोन ख़राब कर सकता है। तो मैं प्रोटेक्टिव गियर यूज़ कर रहा हूँ, रेन प्रोटेक्टिव गियर, जिसमें आप मतलब फ़ोन अंदर डाल सकते हो, टच प्रॉपर काम करेगा, उसको आप गले में हैंग कर लो, प्रॉपर रिकॉर्डिंग होगी उसमें, तो इसमें कोई डर नहीं है पानी चला जाए तो। अपने हमटा पास हाइक करेंगे, उसके लिए मैं कम से कम 2 पावर बैंक रखा हूँ अपने पास, क्योंकि भाई 5-6 दिन चलाना है मुझे। एक ही पावर बैंक, 2 पावर बैंक, क्योंकि नहीं जाना चाहिए बैटरी, अगर बैटरी गई तो पूरा का पूरा ब्लॉग अपना सीरीज़ ख़राब हो जाएगा। कोशिश है सब कितनी ग्रीन है, देखो एक मानसून या बारिश का जान डाल देती है ग्रीनरी में, ज़बरदस्त। बाकी जिस दिन मैं चलूँगा आपको बताता हूँ कौन सा डे है वो, जब मैं निकलूँगा टापास के लिए। आप बने रहना प्लीज़। और हाँ, सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करो चैनल, सब्सक्राइबर बढ़ाओ मेरे, तब मैं और भी वीडियोस लाऊं तगड़े, और ज़्यादा इम्प्रूव करूं। ये आपको पता है कौन सा फूल है? कनेल कहते हैं, कनेल का फूल। अभी उस रास्ते से ये पूरा ट्रेल ऐसे जाता है, पूरा ये जो आप पैच देख रहे हो लेक का, इसके पीछे से पूरा जाते हैं। एक्चुअली ये नेचुरल वेट एरिया है, मतलब एक तरह से दलदल कह सकते हैं इसे, इसे लेक भी नहीं कहेंगे प्रॉपर, बस एक नेचुरल वेट लैंड है। मतलब जब भी यहाँ बारिश जमा होती है, यहाँ कुछ लैंड ऐसा फीचर्स होता है, ये पानियाँ जमा रहती है। ये मैं ऊपर आ गया हूँ, यहाँ पे एक बना हुआ था ट्री टाइप का, ट्री हाउस टाइप का, उसे चढ़ के आपको पूरा व्यू दिखाता हूँ। ये नीचे हो गया आपका वो पानी लेक, ये पूरा ना
फॉरेस्ट है, बर्ड्स, मैक्सिमम बर्ड्स आते हैं यहाँ पे माइग्रेंट। 6 तारीख को फंक्शन है यहाँ पर, वन महोत्सव, जिसमें वेरियस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग आएंगे, उस दिन हम भी आएंगे। फाइनली हम लोग निकल चुके हैं दोस्तों वापस यहाँ से। मम्मी थैंक यू भैया, थोड़ा वो जोक वोक था, मम्मी डर रही थी और काफी बारिश भी हो रही थी, ये लोग रेन कोट से नहीं ला रहे थे। वापस आ रहा हूँ, फिर किसी दिन आऊंगा मैं आराम से आपको दिखाऊंगा। और दो वीडियो बनाएंगे, जब चढ़ाते हो ना तो पूरा ग्रिप लेके चढ़ाओ खींच के। गाइस ये है वो बढ़िया वाला गेट जिससे आप अंदर इस वेटलैंड या बर्ड सेंचुरी में आप एंटर कर सकते हो, सूरजपुर नोएडा का जो ये वेटलैंड है इस पर आप एंटर कर सकते हो। गेट अच्छा है, जिस रास्ते से हम गए थे उसमें बहुत ही ज़्यादा कीचड़ था, काफ़ी ट्रैफिक हो रखा था, ये रास्ता अच्छा था, ये गेट खुलता नहीं। अब जो 6 तारीख को फंक्शन होने वाला है अंकल जी का हमारा, तो वो हम डिसाइड कर रहे हैं कि यहाँ से ही सबको एंटर करवाएं जो भी गेस्ट्स आएंगे। फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ घर, सब आ गए हैं, मम्मी भी गई थी साथ में। बट देखो यार आज ज़्यादा हम चल नहीं पाए, कुछ दूर तक गए, बारिश हो रही थी और सभी के पास रेनकोट या नहीं थे, और वो जो कहते हैं लीच जोंक वो निकाला तो मम्मी डर गई थी, तो वो वापस गाड़ी पे आ गई, तो इसीलिए हम ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाए। एक दिन प्लान बनाएंगे, अभी 6 तारीख को एक प्रोग्राम होने वाला है जैसा मैं आपको उस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, तो उसमें हो सके तो मैं आपको और एक्सप्लोर करा के दिखाऊंगा उस मतलब वेटलैंड्स बर्ड सेंचुरी में सूरजपुर के। तो फिलहाल के लिए तो उसमें इतना ही है, बाकी आप ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी और लोकेशन कैसी लगी, और प्लीज़ अगर वीडियो सब्सक्राइब नहीं करे हो चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना दोस्तों। और हाँ तो बहुत जब हम स्टार्टिंग में गए थे तो हम जो गूगल लोकेशन बता रहा था, गूगल लोकेशन के अकॉर्डिंग ये सूरजपुर का जो एरिया है, अगर आप परी चौक से आ रहे हो इस तरफ, मतलब परी चौक से आप अगर दिल्ली से आ रहे हो, परी चौक पहुँचे, परी चौक से आपने वहाँ से लेफ्ट लिया, परी चौक से वो सीधा रोड जो आएगा डीकैथलॉन वाला, जो ग्रेटर नोएडा का डीकैथलॉन है, तो सीधा आएगा तो एक चौक आता है सूरजपुर चौक कहते हैं उसे, वहाँ घंटा लगा हुआ है बड़ा सा, तो वहाँ से अगर आप राइट होते हो तो वो सीधा रोड जा रहा है गूगल के अकॉर्डिंग, बट वहाँ पे रास्ता वो ना कीचड़ हो रखा है बारिश की वजह से, और वहाँ कुछ बना रखा है, बन रहा है कुछ कंस्ट्रक्शन, तो वो रास्ता बंद हो गया, तो अंदर से घुमाकर हमने शायद छोड़ दिया था कि इंडिया नहीं जा पाएंगे, फिर हमने अंदर गली से होकर उस रोड पर मिले, फिर वहाँ पर फॉरेस्ट का जो वुडन गेट है बड़ा सा आया, बट फिर अंकल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो इन्होंने डायरेक्ट कॉन्टेक्ट किया, तो एक और गेट है जो कि मेन रोड जो है आपका एक मूर्ति वाला उस पर मिलाता है, तो उसमें ज़्यादा कीचड़ का सामना नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट हम रोड पर आ गए। तो ज़्यादा कुछ नहीं, वीडियो लाइक सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप ट्रैवलिंग।